बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी और केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथ, कहा यूपी सरकार करे कार्रवाई, केंद्र सरकार बीजेपी के सहयोगी संगठनों पर लगाए प्रतिबंध। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने जो बीजेपी और उनके सहयोगी संगठन है, तो जो इस किस्म के धर्म परिवर्तन के आदमी जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर हमला, बोले सेक्युलरिज्म के सूरमाओं को हो गया है डेंगू का डिप्रेशन। क्योंकि कुछ लोगों को ये आदत हो गई है, कुछ लोगों का ये फैशन हो गया है कि उन्हें जो है वो छींक भी आती है, उनको जुकाम भी हो जाता है, तो उनको लगता है कि ये सब आरएसएस की वजह से हो गया, तो इसलिए उसका तो कोई इलाज है नहीं, ये तो डिप्रेशन का डेंगू है, इस डिप्रेशन के डेंगू का इलाज तो हम कर नहीं सकते। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी किया धर्म परिवर्तन का समर्थन, बोलिए धर्मांतरण नहीं, लोगों की घर वापसी है, राम का नाम लेना गलत नहीं है। हमारी शरण में जो आएगा, हमारे घर जो आएगा, उसका हम वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, जबरदस्ती जोर हम किसी के साथ करेंगे नहीं। धर्म परिवर्तन पर मचे बवाल के बीच बीजेपी नेता विनय कटियार एक कदम और आगे बढ़े, बोले उमर और फारूक अब्दुल्ला के दादा परदादा भी हिंदू थे, हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर क्यों नहीं मचता है हल्ला। धर्म परिवर्तन पूरा हो रहा है, सब हिंदू से ईसाई बनाए जा रहे हैं, उसमें उसके विषय में कोई विषय उठाया नहीं जाता है, पत्रकार भी जगत उसको नहीं उठाता है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उनकी पीढ़ी क्या थी तो पता चल जाएगा दूसरी या तीसरी पीढ़ी के वो सब हिंदू थे। महंत आदित्यनाथ ने कहा इसे धर्म परिवर्तन कहना होगा गलत, ये उन हिंदुओं की घर वापसी है जिन्होंने बदल लिया था धर्म। धर्म परिवर्तन पर मचे बवाल के बीच धर्म जागरण समिति ने दी खर्चे की जानकारी, मुसलमानों के धर्म परिवर्तन पर 5 लाख का सालाना खर्च, इस साल 1 लाख मुस्लिम और ईसाई को हिंदू बनाने का बनाया है लक्ष्य। समिति के मुताबिक ईसाइयों के धर्म परिवर्तन पर आता है 2 लाख रुपए का सालाना खर्च, इस साल घर वापसी के नाम के 50 कार्यक्रम करने का लक्ष्य, लोगों से पैसा देने की भी अपील की। धर्म परिवर्तन पर मचे हंगामे के बीच हरकत में आए केंद्रीय गृह मंत्रालय के मानवाधिकार यूनिट ने यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट। आगरा में धर्म परिवर्तन के बाद अब पलायन की खबर, कबाड़ी बस्ती के लोगों ने किया पलायन। कल से गायब है धर्म परिवर्तन करने वाले 5 परिवार, पहले हिंदू बने, बवाल हुआ तो फिर कबूला था इस्लाम। बड़ी मस्जिद के इमाम हिफ्जुर रहमान ने कहा मुस्लिम बनने के लिए करनी पड़ेगी पूरी रस्म अदायगी, तौबा इस्तग़फ़ार करनी पड़ेगी अपने अल्लाह के सामने कि अल्लाह से ये तौबा करे कि अल्लाह। फडणवीस साहब को हमारे मुख्यमंत्री जो है उनको लेटर लिखा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको अंदर की जाए और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बीजेपी नेता विनय कटियार ने भी किया सरकार का बचाव, बोले गांधी के हत्यारों के सम्मान को नहीं ठहराया जा सकता जायज। सांसद पप्पू यादव ने बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग की, बोले लोगों को उकसाने का काम कर रहा है बजरंग दल। बिल्कुल हिंदू जागरण बजरंग दल, इसको बैन करना चाहिए कठोरता से, यदि केंद्र सरकार नहीं करती है तो जो हमारी सरकार है स्टेट में अखिलेश की सरकार है, नीतीश लालू यादव का जहां सपोर्ट है, जितना मांझी की सरकार है वहां कंप्लीट बैन कर देना चाहिए, ऐसे सरकार को ममता बनर्जी की सरकार है प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। शारदा घोटाले का मुद्दा उठाकर टीएमसी को संसद में घेरेगी बीजेपी, टीएमसी के हमलावर रुख से परेशान है मोदी सरकार। भारत और रूस के बीच 16 समझौतों पर करार, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मिले पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मोदी ने रूस को बताया पुराना दोस्त, पुतिन ने भी कहा 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर साथ करेंगे दोनों देश काम, पीएम ने ऊर्जा सुरक्षा में रूस को अपना सहयोगी कहा। तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच समझौता, भारत करता है रूस से सबसे ज्यादा हाइड्रोकार्बन का आयात। हीरा के क्षेत्र में भी रूस से बढ़ा सहयोग, पीएम मोदी ने कहा भारत में सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर के निर्माण का रूस को प्रस्ताव। आतंकवाद से निपटने पर भी भारत और रूस में सहमति, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा आतंक और उग्रवाद से साथ मिलकर निपटना दोनों देशों की प्राथमिकता। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की गोड्डा में रैली,
मोदी पर साधा निशाना, काले धन पर हल्ला बोल। एक होकर नरेंद्र मोदी के सरकार को जो छल से भूखा चूहा भी है उसको निकालना है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का रक्सौल में अभिनंदन समारोह, केंद्र सरकार से मांगा बिहार का हक। हम विदेश विशेष राज का दर्जा मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। हमारा बीआरजीएफ का पैसा काट लिया, हमारा मनरेगा का पैसा काट लिया। ये काट करके बिहार को वो कहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी की चिंता, मीनाक्षी लेखी ने कहा घटना के बाद बस प्रतिक्रिया देता है महिला आयोग। दिल्ली में 236 जगहों पर नहीं चलेंगे ई रिक्शा। नई दिल्ली, करोलबाग, जनपथ, राजपथ और कई और सड़कों पर ई रिक्शा चलाने पर रोक। परिवहन विभाग ने आज जारी किया नोटिफिकेशन, दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी लगाई मुहर। दिल्ली में स्पेशल प्रोविजन एक्ट 3 साल के लिए और बढ़ाया गया, सीलिंग और डेमोलिशन को रोकने के लिए बनाया गया था कानून, इस साल हो रही थी म्याद खत्म। आयकर विभाग ने यादव सिंह के मामले में नोएडा अथॉरिटी को भेजा नोटिस, परिवार को अलॉट की गई संपत्तियों की जानकारी मांगी, कल तक देना होगा जवाब। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का सिखों के घाव पर मरहम, 84 के दंगा पीड़ितों को 5 लाख का मुआवजा, ये रकम अब तक मिले मुआवजे से अलग होगी। दिल्ली के भाटी माइंस में मिला नौजवान का शव, कुरियर कंपनी में काम करता था, परिवार को दोस्तों पर शक। दिल्ली के रानीबाग इलाके में गुरुद्वारे में चोरी, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में हादसे पर हंगामा, लोगों ने पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़, साइकिल सवार की मौत। मुंबई के गोरेगांव इलाके में तेंदुए का आतंक, सोसाइटी के सीसीटीवी में दिखा रात के वक्त। सोसाइटी के अंदर से एक कुत्ते को ले जाता हुआ दिखा तेंदुआ, रात के वक्त बाहर निकलना हुआ मुश्किल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक का अयोध्या मसले पर बयान, जल्दी होना चाहिए राम मंदिर का निर्माण। कि राम मंदिर जल्दी से जल्दी बने, इस प्रकार की भारत के नागरिकों की इच्छा है और वह इच्छा पूरी होनी चाहिए। फैजाबाद में दीक्षांत समारोह में शामिल होने आए थे राम नाईक, आगरा धर्मांतरण को बताया राज्य सरकार का मामला। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का संगत दर्शन में अजब व्यवहार, रोती हुई महिला की नहीं सुनी बात। प्रणब मुखर्जी का जन्मदिन, राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ समारोह। उबर कैब के रेपिस्ट ड्राइवर को अदालत ने भेजा जेल, 24 दिसंबर तक की जुडिशियल कस्टडी में पहुंचा शिव कुमार यादव। पुलिस ने 30,000 कोर्ट को बताया कि इस प्रॉपर्टी को बरामद किया गया, रेप के केस की गंभीरता से की जा रही है जांच। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुटाए अहम सबूत, मोबाइल और टैक्सी को बरामद कर चुकी है पुलिस। दिल्ली पुलिस ने उबर कैब के खिलाफ केस के बारे में भी अदालत को दी जानकारी, उबर के संचालन में नियमों को ताक पर रखा गया था। दिल्ली हाई कोर्ट में भी उबर कैब के खिलाफ मंजूर की है याचिका, आईटी एक्ट सर्विस टैक्स उल्लंघन को लेकर दायर की गई है याचिका। उबर कैब टैक्सी के रेपिस ड्राइवर का पूछताछ में कबूलनामा, खुद को बताया कामदेव का अवतार। रेप के आरोपी शिव कुमार यादव ने बताया दिखने में वो अच्छा है इसलिए लड़कियों से बनाए संबंध। आरोपी ड्राइवर ने कहा जितनी लड़कियों से संबंध बनाए वो दोनों की मर्जी से बनाए। दिल्ली पुलिस को शक, सीरियल रेपिस्ट हो सकता है उबर कैब का ड्राइवर। आज कोर्ट में हुई आरोपी की पेशी, सराय रोहिला थाने से लेकर कोर्ट में भारी पुलिस बल थे तैनात। कोर्ट में पेशी के दौरान मीडिया के सामने आकर बोला रामपाल, उनके खिलाफ सभी आरोप झूठे। सब आरोप सारे झूठे हैं।
खत्म हो गई रामपाल के पुलिस रिमांड, कोर्ट ने 22 दिसंबर तक भेजा जेल, 15 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी। मथुरा के स्कूल में हंगामा, टीचर पर छात्राओं को अश्लील तस्वीरें दिखाने का आरोप। होशंगाबाद में अवैध खनिज खनन माफिया के हौसले बुलंद, कार्रवाई करने गए अधिकारी पर हमला। आमिर खान ने मोदी सरकार से की अपील, काले धन को लेकर निभाएं अपना वादा, टैक्स चोरी को बताया देश के साथ धोखा। तो टैक्सेशन मेरे लिए बहुत इमोशनल इशू है कि मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मुझे लोग मिलते हैं जो कहते हैं यार मैंने ये घोटाला कर लिया, मैंने ये टैक्स नहीं दिया, मैंने वो बचा लिया, मैंने सरकार को बेवकूफ बनाया। तो मैंने बोलता हूँ सरकार को आप बेवकूफ नहीं बना रहे, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, आप अपने देश को बेवकूफ बना रहे। फिल्म पीके के पोस्टर को लेकर चल रहे विवाद पर आमिर का जवाब, सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है हरी झंडी। फिल्म के प्रमोशन के लिए रायपुर आए थे आमिर खान, अनुष्का शर्मा फिल्म निर्माता, निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी भी मौजूद। मुंबई में अमिताभ बच्चन ने किया दादा साहेब फाल्के की तस्वीरों का उद्घाटन, 800 लीटर पेंट का इस्तेमाल। दूसरे जमाने के सुपरस्टार दिलीप कुमार अस्पताल से हुए रिहा, 5 दिन पहले अस्पताल में हुए थे भर्ती। जन्मदिन के दिन दिलीप कुमार को लाया गया घर, घर में जश्न जैसा माहौल। 92 साल के हुए दिलीप कुमार, 11 दिसंबर 1922 को हुआ था दिलीप कुमार का जन्म। लता मंगेशकर ने दिलीप कुमार को दी बधाई, कहा आज मेरे बड़े भाई अभिनेता दिलीप कुमार का जन्मदिन है। लता ने दिलीप कुमार की लंबी उम्र की कामना की, कहा ईश्वर उन्हें हमेशा खुश रखे। एडिलेड टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का करारा जवाब, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 517 के जवाब में 5 विकेट पर बनाए 369 रन। एडिलेड टेस्ट में विराट कोहली ने जड़ा इतिहास, बतौर कप्तान पहली पारी में ही जड़ा शतक। 158 गेंदों पर का सामना कर कोहली ने जमाया शतक, 115 रन की शतकीय पारी में जड़े 12 चौके। रणजी ट्रॉफी में मुंबई पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों से मिले सचिन तेंदुलकर, कहा जीत से भटके नहीं जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी, इस सिलसिले को जारी रखने की जरूरत। बॉक्सर सरिता देवी ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से एशियाड कांस्य पदक वापस लिया, कहा उन्हें उम्मीद है आईबा उन पर से हटा ले गई पाबंदी।